तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ लंदन आई। पिछली वीडियो में मैं ट्रफलगर स्क्वायर और लंदन आई जैसे उसके सामने ही था बिग बैन के, तो बिग बैन रात को मैं शो नहीं कर पाया। तो आज लंदन आई और बिग बैन दोनों दिखाऊंगा। इस बार लंदन आई को मैं अंदर मैंने टिकट ले ली है, और कितने की पड़ी है, सस्ती कैसे पड़ सकती है द स्टूडेंट, इसका मैं प्रॉपर लास्ट में बताऊँगा वीडियो, और मुझे कैसे सस्ती पड़ी है। तो फिलहाल तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे अपना कैमरा उठाना है। कैमरा लेना कॉलेज से मैंने बुक करवा रखा है, जिससे कि वीडियोज़ और फोटोज़ अच्छी आई। अभी तो मैं जो शूट कर रहा हूँ गोप्रो से कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट देख रहे हो सामने, ये मेरा ये हाथ में बस स्टैंड है, और ये हाथ में टिकट है, और ये स्टूडेंट आई कार्ड जिससे ये मुझे डिस्काउंट मिला है। तो बस अभी जाऊँगा कॉलेज, कैब में रहूँगा, और आपको सीधा लंदन आई मिलते हैं। और जो मेरी बुकिंग हो रखी है वो है 12:30 की, 12:30 बजे की बुकिंग है। तो वहीं मिलते हैं आपको लंदन आई। सुबह की मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि सुबह का ही मज़ा है, वहाँ अच्छे से प्रॉपर दिखता है। और मैंने छोटा सा ये अपना जो कैमरा होता है ये मेरे पास है ही, उससे अच्छे से फ़ोटो खींचूँगा। और बिग बैन तो देखने का ही मज़ा है, सुबह ही है, रात को तो बिल्कुल नहीं है। रात को देखने में बट फ़ोटो खिंचाने में मज़ा नहीं है। तो आपको वहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट अभी कैमरा लिया है, और अभी पता है क्या होता है, अभी ना यहाँ पे फायर अलार्म बच गया था। छोटी सी वीडियो बनाई है, देख मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और मेरी और उसमें क्या होता है ना कि ऐसे 9:30 बजे की बुकिंग थी, और 10 बजे आधे घंटे के बीच में अगर नहीं लिया है पिकअप तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और मैं वैसे भी घर से लेट हो गया था, मैंने 9:20 की तो मैंने बस पकड़ी थी, और यहाँ पर पहुँचा 9:40 पे। और फिर उसके बाद यहाँ आके देखा तो यहाँ पर ना सब ना भीड़ लगी हुई थी, इधर भीड़ लगी हुई थी। और देखना वीडियो पर, फिर मैं अंदर गया, वहाँ पे मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं इत्तेफाक तो देखो लाइन में खड़ा हुआ, मेरे पर मैसेज आता है आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, और अगला नंबर मेरा ही। मैं गया, मैंने कहा मीना बुकिंग कैंसिल हो गई, कहती कोई दिक्कत नहीं मैं कर दूँगा। और मैंने बुकिंग में क्या किया था, गलत डाल दिया था कि दो कैमरे चाहिए थे, दो कैमरे डाल दिए जबकि एक कैमरा था। तो वो बुकिंग मैंने गलत डाल दी, तो उन्होंने ठीक की, और दो बैटरी अब ले लिया, अब चलते हैं। अब ये था तो किस्मत अच्छी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि आज कैमरा मिलेगा, पर मिल गया। वो फायर अलार्म बच गया और आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल गया मुझे, नहीं तो बुकिंग कैंसिल हो जाती ऑटोमेटिक, तो हेल्प नहीं करते। और ये रहा कैमरा, सब डाल दिया, कैमरा चेक वेक करना ये सब करना ठीक रहता है। अब इस बार मैं बड़ा वाला बैग नहीं लाया, क्या पसंद नहीं आता बहुत, कौन ले जाए बार बार इतना भारी बैग। इस बार मैंने अपने छोटे मोटे कैमरे सब इसी में डाल दिए। ये टेम्परेचर हो रहा है अभी 3 डिग्री। भाई गॉड लेट हो गया, 12:30 का था, 12:10 हो गया, और कहा था आधा घंटे पहले आना। और देखो ये रहा सामने, देखता हूँ एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, वैसे कर तो देनी चाहिए मेरे हिसाब से। यार हो गई एंट्री, हो गई। ये देखो ये है यहाँ से बैठने का, ये यहाँ से एंट्री है यहाँ से। और मेरा बिना स्टूडेंट आईडी कार्ड देख के एंट्री हो गई थी, मैंने गले में पहना हुआ था ये, घर से क्या पता अंदर चेक करे। ये है ना, स्कैन करते हैं यहाँ से ये बार कोड, लेट्स सी क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चों को भी बुला रखा है, वहाँ से होती है बैठने का, वो देख रहा है। चेकिंग वेकिंग भी हो रही है, बंद कर दे रहा। जो ये फोटो खींच रहे हैं ना, ये नाम आपको मैं बताऊँगा प्रॉपर क्या होता है। अभी थोड़ा जल्दी में हुआ एंट्री, हो जाए बस, हो तो जाएगी जब इतना आ गया, तो तब भी थोड़ा सा लगा रहता कर दिया, थोड़ा लेट है। हाँ हो जाएगी, देखो वहाँ से बैठना चालू हो गए। और अभी सिक्योरिटी वाले ने बोला कि एक कैमरा अलाउड है किसी को, तो उसने कहा अलाउड है, तो सही है, आधे घंटे तक ऊपर रहेगा। वो दिख रहा है, वो है आप बिग बैन पीएम हाउस, यहाँ से वो दिख रहा है, वो जहाँ पे वो चिमनी चल रही है वो वहाँ पे पीएम हाउस है। ये देखो ऐसे आधे घंटे की फ़्लाइट होती है, ये बोट की भी है, जो बोट राइड चल रही है मैं वो भी करूँगा बाद में। और यहाँ से दिखाता हूँ और चीज़, ये देखो अभी टॉप और ऊपर जाएगा, अभी मैंने अभी फ़ोटो खींची हुई है, अभी थोड़ा वो हो रही है है। यहाँ से पूरा लंदन में वो दिखता है, देखो टॉप में आ गया, ये देखो कहाँ गया वो, हाँ ये देखो ये ह्यूस्टन स्टेशन है, ह्यूस्टन है, हाँ वही है शायद ये।
देखो यहाँ से पूरा हो, देखो इसमें ना कन्फ्यूजन होती है, जो वो सामने बस चल रही है ना वहाँ पे, देखो दिखाता हूँ ये रखा, वो लंदन वो टावर ब्रिज है, लंदन टावर ब्रिज दूसरी साइड है, किधर है उस साइड को है वो रहा। आज तो लोग मैं यहाँ पे धीरे 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 चलता है, देखो चल रहा है ना, देखो पीछे से दिखाता हूँ, पीछे से कुछ ऐसा है, देखो बस वहाँ पहुँचता हूँ हमको सबसे टॉप में। यहाँ पर देखो ये लगे हुए एसी लगे हुए, देखो इधर वेंटिलेशन के लिए, और ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, और यहाँ से एंट्री होती है, देखो धीरे धीरे जा रहे ऊपर, देखो दिख रहा, धीरे धीरे आ रहे। और पता है सामने जो वो पार्लियामेंट है उसकी भी एंट्री होती है, वहाँ भी जाऊँगा। एक तो वहाँ मुझे एक तो वहाँ जाना एक पहली चीज़, दूसरी चीज़ वो सामने स्टार्ट बिल्डिंग है, ठीक है, तीसरी चीज़ वो एकदम दिख रहा है दूर से, क्या बोलते तो उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, एक वहाँ पे दो, तीसरा बोटिंग, चार चार तो मैंने यहीं गिनवा दी, चार चीज़ें, सॉरी ये था वो ह्यूस्टन स्टेशन, ये वाला है, ये जो सबसे बड़ा स्टेशन है, और ये पूरा सेंट्रल लंदन यहाँ से पूरा दिखता है, पूरा सेंट्रल क्या पूरा लंदन दिखता है यहाँ से, और सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे लंदन की वो जो वो वाली है उधर, वो सामने दिख रहा है वो स्टार्क बिल्डिंग बोलते हैं, स्टार्क बिल्डिंग ऐसे बोलते हैं, और मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया था, उसकी भी एक कहानी है वो बाद में बताऊँगा। और सेम वही प्रोसीजर फ़ोटो का यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर जैसी आपकी एंट्री होती है वैसे ही आप कैसे फ़ोटो खींचते हैं, देखो ये कोड होता है, इस कोड को ऐसे वहाँ पर स्कैन करके आपकी फ़ोटो निकलती है, पैसे मांगते 20-25 पाउंड। मैं कैमरा लेके आ रखा हूँ, देखो पहुँच गए सबसे ज़्यादा टॉप में पहुँच गए, देखो टॉप का व्यू देखो यहाँ से कैसे दिखता है, देखो पूरा व्यू टॉप का। और आज तो ऐसे भी भीड़ कम है, पर एक बारी में 30 लोग आते हैं, ये देखो पूरा टॉप से व्यू, ये है, यही है ऊपर का। और अब चलते हैं थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स बनाते हैं। Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. यही है कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पर लंदन आई का।
थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं, लोग यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, सौ पचास तब जाके एक फोटो टंकी आती है और ज़्यादा बस ये है। जितनी भी जगह मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारी वन टाइम ट्रैवल वाली है, और ऐसा नहीं है कि सारी मतलब बार बार ट्रैवल करते रहें। अब जैसे यहाँ पर आ गया बस ये है, देखो अभी नीचे जाएगा धीरे धीरे, और देखो उतरने का टाइम आ गया। और देखो वो सब चेक करते हैं, बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं, कुछ तो नहीं है, मेटल डिटेक्टर। अब देखो ये होती है रिवर क्रूज, इसमें ना क्या होता है आप अपना टिकट लेके यहाँ से अंदर जाके ये पूरा आपको लंदन का रिवर करवाती है आगे से आगे तक का। दो दो टाइप की टिकट होती है, एक होती है वन में, एक होती है टू वे, मतलब आना जाना, और एक होता है वहाँ से आगे जाके छोड़ देंगे। और देखो ये खोल दिया, चलते हुए उतरना पड़ता है। Hi, how much it goes for photo? It comes in a photo book. We do two prints and digital for 25. Okay. You can get a cooler and that and give you that for 30. Can I see my photo? Yes, you can. Fir so ke dena hai. We'll load it here for you to have a look. No. Thank you. Oh, अब दूसरी जगह आ रखा अभी, ये है बिग बैन। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है सुबह का, 12 बज रहा है दिन का, और देखो ये है क्या नज़ारा है, दिन में दिखता है खिल के। ये देखो ये है, ये रहा, ये जस्ट उसी के सामने लंदन आई, और ये और जो सबसे बढ़िया फ़ोटो खिंचाने की जगह है पूरे बिग बैन में वो वहाँ है, जहाँ पे वो खिंचवा रहे ना, वो एकदम लास्ट में वहाँ पे सबसे बढ़िया यही है। लंदन आई का और बिग बैन का दोनों का दिखा दिया, और यहाँ से आगे तक यहाँ से आगे तक चलते जाओगे तो आप दूसरी जगह वो दूसरे ब्रिज में पहुँच जाओगे। ये है बस मेनली फ़ोटोज़ का है यहाँ, और लंदन आई का तो मैं घूम के आ गया। अभी दोनों जगह बंद, अब यहाँ जाना बंद मेरा, अब जाऊँगा मैं एक बार आऊँगा मैं यहाँ पे लंदन एक्वेरियम देखने, पर देखते हो अभी देखूँगा जैसे बजट बनेगा। हैरी पॉटर स्टूडियो जाने का बहुत मन है यार, वो बने हैरी पॉटर स्टूडियो जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा मैं चाहे जो मर्जी जाए, नेक्स्ट ट्रिप वहीं मारूँगा हैरी पॉटर स्टूडियोज इसी फ्राइडे, हाँ इसी फ्राइडे हैरी पॉटर स्टूडियोज पक्का। बहुत हो गया यार, एक बार क्या होता है हैरी पॉटर स्टूडियो की कहानी बताऊंगा घर जाके। अभी देखो ये मार्केट है, ये सब बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है यहाँ पे, जस्ट उसी के सामने हॉस्पिटल है, और यहाँ पे क्या वो है पार्क, और जो बस मिलेगी वो मुझे यहाँ से मिलेगी। और ये ना जो बस होती है लंदन बस, ये लंदन बस की टिकट होती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने की होती है, बट ये एक तो आगे एक शॉप है वहाँ मिलती है, तो सब शायद सबका अलग अलग रेट है। देखो फरारी सबका अलग अलग रेट है, और ये पूरा लंदन घुमाती है, ऊपर से ओपन बस होती है पूरा लंदन घुमाती है। तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ कितने कौन सी बस जाएगी। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और दो चार फोटोज़ है लास्ट में देखना, अगला ट्रिप पक्का वहाँ का होगा, कहाँ का, हैरी पॉटर स्टूडियो परसों ही जाऊँगा। तक के लिए टाटा बाबा।